हेलो एंड वेलकम यू ऑल, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि 31 तारीख की रात तेहरान ईरान में हमास के पॉलिटिकल डिवीजन के चीफ इस्माइल हनिया को एक ऑपरेशन में मार दिया जाता है। जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, ऑलमोस्ट सभी को ये मालूम पड़ जाता है कि इसके पीछे इसराइल का हाथ है। और जहां तक बात किया जाए कि इसराइल के पीछे किसका हाथ है, तो नो डाउट इसराइल को यूएसए अनकंडीशनल सपोर्ट करता है। तो यहां से भी हमें एक चीज समझ में आ जाना चाहिए कि अगर किसी भी तरीके से आपके संबंध इसराइल के साथ अच्छे नहीं है, तो आप डायरेक्टली यूएसए को चैलेंज करते हैं और आप दुश्मनी मोल लेते हैं। इसराइल और यूएसए के संबंध कितने मजबूत है, इसका अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि अब तक गजा में लगभग 40,000 से भी अधिक लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 20,00,000 से भी अधिक लोग डिस्प्लेस हुए हैं। उसके बावजूद यूएस उस तरीके से प्रेशर क्रिएट नहीं कर पा रहा है इसराइल के ऊपर जिस तरीके से उसे करना चाहिए। पॉसिबली हर तरीके से यूएसए इसराइल को सपोर्ट कर रहा। इसी में एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आता है जहां पे अल जजीरा एक न्यूज चैनल है, इसके एक जर्नलिस्ट को इसराइल मार देता है और कहता है कि वो एक हमास का मेंबर था या सिंपेथाइजर था या किसी भी तरीके से वो हमास के लिए काम करता था। नॉर्मली यही होता है कि जब आप कोई भी काम को करते हैं या किसी को अगर आप पनिश करते हैं तो आपको प्रूफ वगैरह प्रेजेंट करना होता है। लेकिन जिस तरीके से इसराइल को यूएस के द्वारा एक खुली छूट मिल रखी है जहां पे अलग अलग देशों में वो कोवर्ट ऑपरेशन को अंजाम देता है और यूएस वो पहला देश होता है जो बढ़ चढ़कर ये कहता है कि इसराइल को सेल्फ डिफेंस का हक है और किसी भी तरीके से अगर इसराइल के ऊपर अटैक होगा तो यूएसए उसे डिफेंड करेगा। अब इन सारे चीजों को एज एन इंडियन हमें बहुत ही न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से रह के देखना है और सोचना है कि किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स काम करता है। जहां पे अगर आप यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वहीं पे वो इसराइल को एक खुली छूट दे रखा है जहां पे आप किसी को भी जाइए और मारिए और उसके ऊपर एक एलिगेशन लगा दीजिए। लेकिन वहीं पे अगर आप बात करें चाइना के बारे में या रशिया के बारे में, तो अगर यही काम चाइना या रशिया या इनफैक्ट ईरान करता तो उसे डायरेक्टली ये बोल दिया जाता है कि ये सारे देश या ये पर्टिकुलर देश एक ग्लोबल थ्रेट है और उनके खिलाफ सभी देशों को एकजुट होकर एक्शन करना चाहिए। ये बताता है कि यूएस कितना बड़ा हिपोक्रेट देश है। और यूएस के बारे में एक बात और बहुत फेमस है, वो ये है कि अगर यूएस आपके करीब आ रहा तब भी आपको सतर्क हो जाना चाहिए और किसी भी तरीके से यूएस से अगर आपसे दूर जा रहा तब भी आपको सतर्क हो जाना चाहिए। वहीं पे अगर हम बात करें कि जिस तरीके से ईरान में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, अगर गवर्नमेंट ऑफ ईरान इस असैसिनेशन का बदला नहीं लेगा तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ईरान का एक बहुत ही कमजोर इमेज प्रेजेंट होगा जो कि किसी भी तरीके से वहां के सुप्रीम लीडर यानी कि अली खुमेनी इस चीज को नहीं चाहेंगे। और जहां तक बात किया जाए ईरान विद इन कंट्री के बारे में, तो वहां के भी लोग अपने लीडर्स के ऊपर सवाल उठाएंगे जहां पे उनको ऐसा लगेगा कि उनका लीडर्स केपेबल नहीं है। तो मोर और लेस एक कैलकुलेशन के तहत ये बताया जा रहा, चाहे हमास हो गया या लेबनान का हिजबुल्ला हो गया, वो किसी न किसी तरीके से इसराइल के ऊपर अटैक करेगा। इन्हीं सबको देखते हुए जो बाइडेन खुले तौर पे ये कहते हैं कि यूएस कमिटेड है इसराइल को डिफेंड करने के लिए, तो अगर इन सबको देखा जाए तो ऐसा लग रहा कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट क्राइसिस जो है वो बढ़ेगा। और किसी भी तरीके से अगर मिडिल ईस्ट क्राइसिस बढ़ेगा तो ऑयल का जो एक्सपोर्ट है उसमें दिक्कत होगा। कहने का मतलब है कि सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, इनके जो ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट होते हैं वो ऑयल या ऑयल प्रोडक्ट्स ही होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जितना इंपॉर्टेंट ऑयल एक कंज्यूमिंग कंट्री के लिए है, उतना ही इंपॉर्टेंट ऑयल एक एक्सपोर्टर कंट्री के लिए भी है। तो यहां से भी हमें एक चीज समझ में आना चाहिए कि कतर हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया या ओमान हो गया, इन सभी को एक चीज मालूम पड़ चुका है कि आप किसी भी तरीके से इसराइल से दुश्मनी नहीं मोड़ सकते हैं। अगर आप इसराइल से दुश्मनी मोड़ते हैं तो आपका हाल वही होगा जो आज के डेट में ईरान का हो रखा है, यानी कि आपके ऊपर मल्टीपल सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे और आप अपने तेल को नॉर्मल तरीके से नहीं बेच पाएंगे। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि हर देश के अपने रिक्वायरमेंट होते हैं, उनके अपने मजबूरी होते हैं, जिसके कारण आप देखेंगे कि जिस तरीके से इसराइल गजा में इन्वेड कर रहा, इन सभी चीजों के ऊपर मिडिल ईस्ट के जो प्रोमिनेंट कंट्रीज है, खास करके सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतर, ये सभी देश खामोश बैठे हुए हैं, क्योंकि ईरान उन सभी देश को या ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जिनके संबंध इसराइल के साथ अच्छे नहीं है। और पिछले महीने के 30 तारीख को ईरान में वहां के नए प्रेसिडेंट का शपथ ग्रहण था जिसमें कि इस्माइल हनिया गए हुए थे और बकायदा तेहरान में इस्माइल हनिया को एक बहुत ही बड़ा गेस्ट हाउस एलोकेट किया गया था जहां पे ये थे जब उस गेस्ट हाउस के अंदर बॉम्ब फटता है। और जब इस्माइल हनिया ईरान पहुंचते हैं तो ये वहां के सुप्रीम लीडर से मिलते हैं और इनके जो आखिरी शब्द है जो कहा गया है ईरान के द्वारा वो ये है,
कि इस्माइल हनिया कहते हैं कि अगर एक लीडर मरता है तो दूसरा जन्म ले लेता है, और साथ में ये भी ऐड करते हैं कि जिंदगी या मौत ये अल्लाह के हाथ में है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये कुछ वर्सेस हैं कुरान से कोट किए गए हैं, जिसको कि रिलीज किया गया है जब इस्माइल हनिया को असैसिनेट कर दिया जाता है उसके बाद ईरान के। बीते कुछ महीनों में इसराइल और तुर्की के बीच में संबंध बेहद खराब हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से इसराइल गजा में अटैक कर रहा है इसको देखते हुए तुर्की काफी खफा है। इन्हीं सब के बीच इस्माइल हनिया को तेहरान ईरान में मार दिया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो तुर्की का एम्बेसी होता है इसराइल में, हर एम्बेसी के ऊपर उस देश का झंडा लगा होता है। तो एज एन रिस्पेक्ट जेस्चर तुर्की क्या करते हैं कि अपना झंडा को आधा कर देते हैं, यानी कि उसका जो एक नॉर्मल फ्लाइंग हाइट होता है उससे आधा कर देते हैं। तो ये एक तरीका होता है, जब आप काफी दुखी होते हैं तो उस दुख को दिखाने का ये एक तरीका होता है। इन्हीं सबको देखते हुए इसराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके तरफ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट रिलीज किया जाता है, जहां पे कहा जाता है कि स्टेट ऑफ इसराइल विल नॉट टॉलरेट एक्सप्रेशन ऑफ मॉर्निंग फॉर अ मर्डरर लाइक इस्माइल हनिया। और आगे बढ़ के लिखा जाता है कि इफ द एम्बेसी रिप्रेजेंटेटिव्स विश टू मॉर्न दे शुड गो टू टर्की एंड मॉर्न अलोंगसाइड देयर मास्टर एर्दोगान। तो कहने का मतलब है कि इसराइल बहुत ही स्पष्ट और खुले शब्दों में कहता है कि जिस तरीके से तुर्की के एम्बेसी के द्वारा झंडे को आधा किया गया है और इस्माइल हनिया के लिए सपोर्ट रेज किया गया है, अगर तुर्की के एम्बेसडर को इतना ही दुख पहुंचा है इस्माइल हनिया के मरने से, तो वो तुर्की वापस जा सकते हैं और अपने जो मास्टर है यानी कि वहां के जो प्रेसिडेंट है एर्दोगान, उनके साथ बैठ के वो अपने दुख को बांट सकते हैं। तो नॉर्मली इस तरीके का वर्ड का इस्तेमाल जनरली नहीं किया जाता है, और अगर किया जाता है तो ये बताता है कि दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो तेजी से खराब हो रहे हैं। क्योंकि इस्माइल हनिया के डेड बॉडी को दोहा में जो भी एक रिलीजियस प्रोसेस होता है उसको फुलफिल करने के बाद उनको वहां पे गाड़ दिया गया। इसी दौरान ये देखने को मिला कि बहुत सारे लोग सड़कों पे उतरे थे जो इस्माइल हनिया को सपोर्ट कर रहे थे। इसी बीच ये बहुत हद तक कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में प्रॉक्सीज वॉर और भी बढ़ने वाले हैं, जो कि किसी भी तरीके से एक अच्छा साइन नहीं है। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।